आज मैं आपको बताऊंगी परफेक्ट मूली के पराठे बनाने की रेसिपी बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। तो सबसे पहले हमने आधा किलो मूली ली है। मूली को अच्छे से धो कर के छील लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मूली के पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं और सर्दियों के दिनों में तो गर्मा गर्म पराठे खाने में और भी टेस्टी लगते हैं। दोनों मूलियों को अच्छे से छील लिया है। अब हम मूली को कद्दूकस कर लेंगे। अब हम दो बाउल गेहूँ का आटा लेंगे। गेहूँ के आटे को छान लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून चाट मसाला डालेंगे। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी बनी है रेसिपी। अब हम इसमें हाफ टी स्पून अजवाइन डालेंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला डालेंगे, दो बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे, बारीक कटे हुए लहसुन डालेंगे, चार से पाँच कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, दो टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें कद्दूकस की हुई मूली डालेंगे। अब मूली को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कद्दूकस की हुई मूली को। इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी न्यू रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ को। अब हम इसमें आटे में थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि मूली में ऑलरेडी पानी होता है, आटा लूज़ हो जाएगा तो पराठे अच्छे से बनेंगे नहीं। आटे को अच्छे से गूंथ करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से गूंथ लेंगे आटे को। मैंने ये देखी फ्रेंड्स, इतने से पानी के यूज़ किया है आटा लगाने में, क्योंकि मूली में ऑलरेडी पानी होता है। आटा गूंथ करके रेडी कर लिया है। अब हम आटे की एक छोटी सी लोई तोड़ करके गोला बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से गोला बना लेंगे। अब हम पराठा बेल लेंगे गोल शेप में। इतने में हम पराठा बेल करके रेडी करेंगे, उतने में हम गैस पर तवा गरम करने के लिए रख देंगे। तवा गरम हो चुका है, अब हम पराठा डाल देंगे सेकने के लिए। अब हम पराठे को पलट लेंगे दूसरी साइड से। पराठे को दोनों साइड से अच्छे से सेक करके फिर इस पे ऑयल लगाएंगे। पराठे को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सेक लेंगे। अब हम पराठे पे ऑयल लगा लेंगे अच्छे से। अब हम पराठे को दूसरी साइड से पलट देंगे। दूसरी साइड पे भी हम पराठे पे अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। मूली का पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मूली का पराठा बन करके रेडी है, एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है रेसिपी, मूली के पराठे की ईजी सी और क्विक सी रेसिपी। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरी न्यू रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। स्टे कनेक्टेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़ वीडियो।